इतना ध्यान रखना जो पूरे डिसिप्लिन के साथ रहेगा उसको मेरे आंखों से गुलाब मिलेगा। आपके मान सम्मान और प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया। माँ की ज्योति से नूर मिलता है, सबके दिलों को जरूर मिलता है। जो भी दिल से आता है तेरे दरबार में ड्यूस ऑफ यहाँ उसको कुछ ना कुछ जरूर मिलता है। नाम संजय धीमान, बाय प्रोफेशन आई वॉज डीजल मैकेनिक। मैं सबूत तो नहीं दे सकता इस बात का क्योंकि पुराने सबूत मिटा दिए गए हैं। अभी जब से हमारा देश डिजिटल हो रहा है पुराने सबूत दिखाई नहीं दे रहे। मैं बॉम्बे गया एक सेमिनार लगाने, तो एक महिला वहां आई थी अपने पति को लेकर। मैंने सेमिनार लगाया, स्टोरी बताई, तो मुझे कहती है जैसे स्टेज से उतरा भाग के सर 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 प्लीज प्लीज। मैंने बोलिए ये भी मैकेनिक है और इसका नाम भी संजय ही है। मैंने इनको बताया पिछले सेमिनार में आपका कहानी बताया कि एक डीजल मैकेनिक संजय धीमान और एक आप मेरे पति जिनका नाम संजय है, वो देखो कहां पहुंच गए, वो भी एक मैकेनिक थे और आप। तो कहते हैं कि वो सब झूठ बोलता है, मैकेनिक ऐसे नहीं होते। मैकेनिक के तो हाथ काले, नाखूनों में वो काले फंसी ग्रीस फंसी होती है। तो कहती है मैंने बोला तो सेमिनार में चल, तो इसको दिखाने लगी तो मेरे सामने लगा, कहता झूठ बोल रहे हैं ये अभी भी, ये मैकेनिक ऐसे नहीं होते। मैंने कहा क्यों? कहता है यार देख मैं भी मैकेनिक हूं, मेरे यहां देख कितनी फोड़े पेंसियां हैं। बेटा भी कहता मेरे नाखूनों में कितनी मैल फंसी हुई है, पर तुम इतना गोरे चिकने नजर आ रहे हो, तुम मैकेनिक हो ही नहीं सकते। मैंने कहा 15 साल से थोड़े बिजनेस ऐसे ही रहेंगे, 15 साल में डिसऑफ कर रहा हूं। मिनट में कभी भी जिंदगी नहीं बदलती, लेकिन एक मिनट में लिया गया फैसला इंसान की जिंदगी बदल देता है। टुडे आई एम हियर बिकॉज आज से 19 साल पहले हमने एक फैसला लिया। फैसला लेने वाले इंसान हमेशा जिंदगी में तरक्की करते हैं। शर्त यह है कि अपने लिए हुए फैसले पर उसको यकीन होना चाहिए, उसको विश्वास होना चाहिए कि जो फैसला मैंने लिया है वो एकदम सही फैसला है। दोस्तों फैसला लिया था एक मंदबुद्धि इंसान ने कि मैं पलक बनाकर छोड़ूंगा, और दोस्त वो एक बहुत बड़ा आविष्कारक बन गया, नाम था थॉमस एडिसन। फैसला लिया था एक वकील ने कि मैं हिंदुस्तान को आजाद करवा के छोड़ूंगा, और दोस्त उसने उस फैसले की कदर की, विश्वास किया और दोस्त वो राष्ट्रपिता बन गया। इसी तरह से फैसला लिया था आज से 19 साल पहले संजय धीमान ने। मुझे नहीं पता था, वहां तो ये बात हुई नहीं थी कि यहां बहुत सारी इज्जत मिलती है, वहां तो ये बात हुई नहीं थी कि विदेश की यात्रा करेंगे, वहां तो ये बात हुई थी, प्लान इतना दिखाया गया था कि बस 2 लोगों को ज्वाइन करना है, वो आगे ज्वाइन करेंगे और हमें पैसे आएंगे। yes, ये तो बात ही नहीं हुई थी कि बहुत सारी भीड़ होगी और तुम्हें सेमिनार लगाना पड़ेगा। दोस्त उस समय एक इच्छा जागृत हुई कि यार जो सबसे ऊपर बैठा है उसको कितने पैसे आते होंगे, वो कौन है जो सबसे ऊपर ड्यूस ऑफ में बैठा है, वो कौन है, उसको कितने पैसे आते में उससे मिलना है। लेकिन दोस्त मुझे क्या पता था भगवान सबसे ऊपर मुझे ही बिठा दे। मैंने ज्वाइन किया था तो मेरे पास भरने के लिए पैसे नहीं। हाँ जब मैंने ज्वाइन किया था तो एक ड्रीम जरूर बनाया था कि मैं पैसों के लिए सिस्टम बनाया, क्योंकि मुझे पैसा चाहिए। एक चीज मैंने जिंदगी में सीख ली थी कि पैसों के बिना दोस्तों कुछ नहीं होता। एक इंसान को जब शमशान घाट में जलाया जाता है तो लकड़ियां भी पैसे से खरीदी जाती हैं। जिस माचिस से आग लगाई जाती है वो माचिस भी पैसे से ही आती है। हर इंसान अपनी जेब के हिसाब से, कोई देसी घी डालता है, कोई डालडा घी डालता है और कोई कैरोसिन डालता है, अपनी अपनी हैसियत के हिसाब से लगाएगा ना। देखो मरने के बाद का भी एक पैकेज है।
फूड पैकेट में और पैसा पैकेज में, यही चलता है आजकल दोस्तों। मरने के बाद का भी एक अनुभव बनाना पड़ेगा कि कितने पैसे छोड़ के जाने हैं, क्योंकि कुछ नहीं छोड़ा होगा तो लगा कैरोसिन सारे। लेकिन अगर कुछ छोड़ के जाने थे, अगर कुछ छोड़ के जाएंगे तो बोलेंगे नहीं यार देसी घी से चौपड़े बाद में इसकी कमाई तो हमने जानी है। सो फ्रेंड्स, पैसा खुदा नहीं है लेकिन खुदा से कम नहीं। मैं आपको जितनी भी ट्रेनिंग देता हूं हमेशा एक बात जरूर कहता हूं कि दुनिया में बहुत सारी तंगी है, कभी पैंट तंग हो गई, कभी पजामा तंग हो गया, कभी कमीज तंग हो गई, सारा कुछ भी तंग हो जाए, कैसी भी तंगी आ जाए, लेकिन जिंदगी में पैसे की तंगी बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। दोस्त, मेरे पिताजी ने जब मैं घर से निकला था, मेरे दादाजी ने और पिताजी ने मुझे कुछ बातें बताई, बोला बेटा पैसे तो है नहीं लेकिन बातें जितनी मर्जी सुन लो। वो एक इंसान था ना, वो जगराते गाता था, तो उसकी वाइफ कहती है मुझे ना दूध पीने का बड़ा शौक है, तो भैंस खरीद लो, तो वो तो चारा कौन डालेगा कि मैं डालूंगी, क्या तेरे को खुद का चारा खाने के लिए तो दो लोग उठाते हैं, इतनी तो मोटी है, तो भैंस का चारा कौन डालेगा, क्या नहीं मुझे कुछ भी करके ना भैंस खरीद लो। भैंस खरीद के लेके आए, पहले दिन दूध निकाला ठीक, दूसरे दिन भैंस अपने जहां पे वो बांध के रखी थी वहां से वो चिल्लाती तो सुबह से दोपहर हो गई, चारा नहीं पड़ा भैंस को, भूखी बेचारी तड़फ रही है। तो बंदा उसके पास गया अपनी वो पीपली लेके, कहता देख कोई गाना गुना सुन ला फरमाइश है तो बता, बाकी चारे की बात इधर नहीं करना है, क्योंकि कहता मैं जगराते गाता हूं, मैं सिर्फ गाना ही सुना सकता हूँ, चारा डालना मेरे बस की बात नहीं है। मेरे पिताजी ने मुझे कहा था कि बेटा पैसे हमारे पास है नहीं पर हम कुछ बातें बता सकते हैं, कर्ज एहसान का हो, कर्ज पैसों का हो या कर्ज प्यार का हो, बेटा इसको जिंदगी में उतारना ये सबसे बड़े कर्ज होते हैं। दोस्त, रियल मायनों में मैं एडवाइस नहीं कर रहा था, ना कर रहा हूं और शायद ना ही करूंगा, मैं तो सिर्फ अपनी महबूबा का कर्ज उतार रहा हूं। पिछले जन्म में ये कोई सठानी नहीं होगी, मैं इसके घर में नौकर रहा होगा और मैंने कोई चोरी वोरी की होगी, भगवान ने शराब दिया, क्या साले अगले जन्म में पति बन के कर्जा चुकाएगा। मुझे तो कुछ समझ नहीं आया था, इसको समझ आया था जिद करेंगे ड्यू सॉर्ट करनी है। मैंने कहा ठीक है, क्योंकि बाल हट, मेघ हट और स्त्री हट, ये तीन हट दुनिया में सबसे बड़े होते हैं। बीजे का बेटा ये निजाम था, उसको नहीं पता यहां क्या चल रहा है, मतलब मेरे को धमाल करनी है, मतलब करनी है, उसको बोलते बाल हट। मेघ हट, उसको नहीं मालूम कि नीचे शादी हो रही है, किसी की मंडप सजा के रखना है बेचारे को, करने दे नहीं, ऊपर से पानी बरसाना मतलब बरसाना ही, और आपके कहने पर वो आएगा भी नहीं, आपके कहने पर वो जाएगा, इसको होते हैं मेघ। और तीसरा होता है स्त्री हट। दोस्तों, जब स्त्री जिद कर ले ना, तो आपने कहानियां सुनी होगी कि स्त्री जिद कर ले तो यमराज के चंगुल से अपने पति को भी बचा लेती है। स्त्री जिद कर ले, स्त्री जिद कर ले तो भाइयों भाइयों में महाभारत रचा देती है, अगर स्त्री जिद कर ले तो रावण जैसे पापियों की लंका को जला देती है, और स्त्री जिद कर ले तो एक गरीब आम इंसान का भी घर बसा देती है। जब पहली बार प्लान किया मुझे तो कहते करना है, मैं इतने पापड़ भेजे एक और भेज दे, यार तो बाबू दे नहीं है तो जेल। दोस्तों, हल्के में मेरा हल्के में एवरी टाइम मैं सोचता हूं, दुख इस बात का होता है कि संजय दुमन तूने इस वीडियो को हल्के में लिया था, फिर धीरे से मुस्कुराता हूं तो ही यहां तक पहुंच गया। अगर इसको दिल पे लिया होता और दिल से लिया होता तो तू आज कहां पर होता। क्या बात है।